अगली खबर में बात करते हैं भोपाल की, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के मायके जाने से इतना दुखी है कि अब तक 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। किस्मत से चारों बार उसकी जिंदगी बच गई। रेल कोच फैक्ट्री के पास राजेंद्र नगर में रहने वाले इंद्रपाल ने शुक्रवार को फिनाइल पी लिया था। इसके बाद उसे एम्स में भर्ती कराया गया। कुछ देर इलाज के बाद अस्पताल से उसकी छुट्टी कर दी गई। फिनाइल पीने से पहले इंद्रपाल ने 21 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके पहले 9 अगस्त को इंद्रपाल ने फांसी लगाने की भी कोशिश की थी। उस दौरान भी उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें वह कह रहा है, मेरी बीवी मुझे छोड़कर ललितपुर चली गई है, मेरा साला मेरी बीवी को पहुँचा नहीं रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा साला और मेरी बीवी रहेंगी। मैं उसे लेने गया तो मुझे मार मार भगा दिया गया। इससे पहले भी इंद्रपाल ने एक बार ऑल आउट का लिक्विड पी लिया था। इलाज के बाद वह ठीक हो गया था। इसके बाद तालाब में कूदकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया। बताया जा रहा है कि पति हरकतों से परेशान होकर पत्नी बेटी को लेकर मायके चली गई है। इंद्रपाल सिंह एम्स भोपाल में गार्ड की नौकरी करता है। इंद्रपाल का कहना है, बेटी का चेहरा याद आते ही सुसाइड करने का मन बदल जाता है। फांसी के समय भी यही हुआ, फंदा बनाया, उसे गले में डाला, पर बेटी की याद आते ही स्टूल से नीचे उतर आया। सोचता हूँ मेरी मौत के बाद यदि बीवी को मायके वालों ने भगा दिया या पत्नी ने बेटी को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा, वह कहाँ भटकेगी। मेरी बीवी मुझे छोड़ के मायके में बैठी है, 2 महीने से मैं बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आजा आने का नाम नहीं ले रही है। मैं प्रशासन से मदद मांगना चाहता हूँ, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरी बीवी से मुझसे वापस मिला जाए, मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है।